नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट से जुड़ी इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंटेटरों की सैलरी के बारे में, या फिर हम कहें कि उनकी कमाई के बारे में। वह एक साल में या फिर एक मैच के दौरान कितना कमा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सब, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रवि शास्त्री की। रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, लेकिन जब वह कमेंट्री करते थे तो लोगों को काफ़ी मज़ा आता था। बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 तक उनको एक सीरीज़ के लिए 56.93 लाख मिलते थे। वहीं एक आईपीएल सीज़न के लिए उनको 4 करोड़ रुपए दिए जाते थे, यानी कि वे एक साल में कमेंट्री करते हुए लगभग 6.5 करोड़ रुपये कमा लेते थे। बहुत है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के लिटिल मास्टर कहे जाने वाले सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर की कमेंट्री भी फैंस काफ़ी इंजॉय करते हैं। बता दें, सुनील गावस्कर आज भी कमेंट्री से करोड़ों की कमाई करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में कमेंट्री करने के लिए सुनील गावस्कर को 56.93 लाख रुपए दिए जाते हैं। आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए उनको प्रति सीजन 2.35 करोड़ रुपए मिलते हैं। सुनील गावस्कर की एक साल की सैलरी 6 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग रवि शास्त्री जितनी ही, लेकिन काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संजय माजरेकर की। इनका नाम तो आपने खूब सुना होगा। अभी ये रविंद्र जडेजा के साथ विवाद में खूब सुर्खियों में रहे थे। चलिए बात करते हैं इनकी कमाई की। तो संजय माजरेकर को एक सीरीज़ के हिसाब से 42 लाख रुपए दिए जाते हैं। वह आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कमेंट्री करके हर साल 6 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर लेते हैं। यह भी किसी से कम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अगले कमेंटेटर हर्षा भोगले की। हर्षा भोगले बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय कमेंटेटर हैं, जिनको एक सीरीज़ में कमेंट्री करने के लिए 32 लाख रुपये मिलते हैं। उनकी एक साल की इनकम 5.5 करोड़ रुपये के आसपास है। भाई वाह, कोई किसी से कम नहीं है, भरपूर कमाई है कमेंट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं माइकल बॉर्न की। माइकल बॉर्न स्काई स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करते हैं। उनको हर सीरीज़ के लिए 38 लाख रुपए की फ़ीस मिलती है। उनकी सालाना कमाई 5.8 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ रुपए के बीच में है। कमाल है भाई, सब करोड़ों में खेल रहे हैं। चलिए बात करते हैं यान बिश्व की। वेस्ट इंडीज़ टीम के पूर्व तेज़ गेंदबाज यान बिश्व को हर सीरीज़ से 33 लाख रुपए की कमाई होती है, जबकि उनकी सालाना इनकम 5 करोड़ के आसपास है। अब तक तो भाई करोड़ से नीचे कोई है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अनिल कुंबले की। भारतीय टीम के पूर्व महान खिलाड़ी अनिल कुंबले बतौर कमेंटेटर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। उनको एक सीरीज़ के लिए 32 लाख रुपए की फ़ीस मिलती है, जबकि उनकी सालाना कमाई 5.5 करोड़ रुपए के आसपास है। ये भी भाई करोड़पति निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब आकाश चोपड़ा की। शायद आकाश चोपड़ा का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। इनका यूट्यूब चैनल भी है और वहाँ भी ये कमेंट्री से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ये भी काफ़ी मज़ेदार कमेंट्री करते हैं। जब वह कमेंट्री करते हैं तो दर्शक कान लगाकर सुनते हैं। उनको हर सीरीज़ के लिए 30 लाख की फ़ीस मिलती है। उनकी एक साल की कमाई 4 करोड़ के आसपास। भाई इनकी तो डबल कमाई, कमेंट्री से भी और यूट्यूब से भी। इनके लिए एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जतिन सप्रू की। जतिन सप्रू की एक मैच की कमाई 1.5 लाख के आसपास है। वह हर साल 2.25 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इनकी कुछ कम है, मगर करोड़पति तो ये भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेरी वेरी स्पेशल बीबीएस लक्ष्मण की। बीबीएस लक्ष्मण को एक मैच के लिए 3.5 लाख की फ़ीस मिलती है। उनकी हर साल 2.5 से 3.5 करोड़ तक की आमदनी हो जाती है। तो ये भी कमेंट्री से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छी कमेंट्री किसकी लगती है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।